आई भीतर की सर की ओर चली। मॉर्निंग मेडिटेशन आपको माइंड से मुक्त करती चली जाए। ये ग्रुप मेडिटेशन वाइब्रेशन से उत्प्रवृत्त आप सबको विराट बनाती चली जाए। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर का देखना उद्घाटित हो जाता है। तुम स्वतः देखने लगते हो, स्वयं देखने लगते हो। ये देखना जारी रहे भले आपके समक्ष अंधेरा है, सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है। There is nothing all over inside. Still, keep looking on inside. Simply watch. Be watchful. बाहर से भीतर की ओर अपनी थर्ड आई में, अपनी डिवाइन आई में, अपनी अंतस की आंख में समाहित होते चले जाना। ये कनेक्शन तुझको इमॉर्टल बना देता है, आबाद कर देता है, सदा के लिए स्वस्थ बना देता है। देखते रहना, देखना जारी रहे, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखना, न्यूट्रल एनर्जी होकर के रहना, निष्पक्ष नॉन डूइंग की स्टेट में रहना, अकर्ता दृष्टा होकर के देखते रहना। इस संगीतमय वाइब्रेशंस में वाइब्रेट करना अपने भीतर को। जागे जागे रहना। आविष्कार करना, डिस्कवर करना अपने आप को। खो चुके हैं हम माइंड की दुनिया में। हमारा कहीं अता पता नहीं है, हमें कुछ भी मालूम नहीं है अपने आप का। पूरी अंधापन में जी रहे हैं हम। तनिक मात्र भी सजगता नहीं हमारे भीतर। हम कभी अपनी भीतर की आंख में जिए ही नहीं, हमने कभी जाना ही नहीं जीवन क्या है, मैं हूं कौन, कुछ मालूम नहीं। कभी इस जीवन दिशा के प्रति प्यास उठाई नहीं। अवसर मिला है चूकना नहीं। जागे जागे रहना, पल पल जागे रहना। अपनी ओर जागे रहना। जागे जागे भीतर की सैर पर उतरना, भीतर की यात्रा पर, जीवन यात्रा पर। यूं ही टहलते टहलते अपनी ओर ठहर जाना। विचार दशा में जागे जागे रहना, भाव दशा में
डूबते चले जाना। देखते 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 अगर भाव दशा प्रभु प्रेम प्रभु प्यास प्रभु दर्द उठता है तो उसमें डूब जाना, फिर देखने की जरूरत नहीं, फिर साक्षी दृष्टा होने की जरूरत नहीं, फिर एकदम गहरी डुबकी लगाना, अपनी प्यास को अगन देना, बढ़ावा देना, अपनी प्यास को मल्टीप्लाई करना, अपनी प्यास को जनरेट करना, अधिक से अधिक प्यास का आलम उमड़े, ये प्रायोरिटीज भीतर की। एक दिन तुझको अपने प्रीतम से मिला देती है, माइंड से हटते चले आना, विचारों से हटते चले आना। बार बार हम खो जाते, आदत वश ऐसा होता है, होता ही आ रहा है, आदत बन गई है, परंतु निराश नहीं होना, पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः वापस अपने स्वभाव में बार बार लौटना, अपने स्वभाव में स्वाभाविक स्थिति में। ये आदतें कटती चली जाती हैं और स्वभाव जगमगाने लगता है। इस प्रोसेस में जिसका अभिप्राय है कभी माइंड में चले जाना, कभी माइंड से हट जाना, कभी विचारों में खो जाना, कभी विचारों से हट जाना, कभी पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों पर झूलने लगना और कभी वर्तमान के पलों में लौटते चले आना, ये प्रोसेस एक दिन तेरी सारी आदतों को विदा कर देगा, तेरी सारी आइडेंटिफिकेशन को काट के रख देगा। धीरे धीरे आप अपने स्वभाव में स्वतः ही स्थित होते चले जाओगे, स्वतः ही ठहरते चले जाओगे। आपने करना कुछ नहीं, जागे जागे रहना, सेल्फ रिमेम्बरेंस में रहना, अपने स्वभाव में रहना। यू आर ए सीयर, यू आर नॉट ए माइंड। बस इतनी सी रिमेम्बरेंस तेरे जीवन का फूल खिला देगी, तेरे जीवन की बगिया सजा देगी। ओम ओंकार आमीन। जब से करीब हो के चले, जिंदगी से हम जब से करीब हो के चले, जिंदगी से हम बहुत गहरी दास्तां है, भीतर के दीवाने ही समझ पाएंगे। ओ मेडिटेटर्स, तेरे लिए धर्म है एकमात्र जीवन, जीवन जगमगा, सही सही दिशा, जीवन दिशा उसी में रहे, अपना आप जगमगा। ये स्वार्थ नहीं परमार्थ है, अपना आप जगमगा, अपने पे निर्भर हो, आत्मनिर्भर हो, पैसे पे नहीं।
पदार्थ पर नहीं, बाहर की दुनिया पर आज तक कोई भी निर्भर नहीं रह सका, अपने आप पर, अपनी जिंदगी पर, अपनी आत्मा पर। आत्मनिर्भर, 2-4 हजार की नौकरी पाली, कहता हम आत्मनिर्भर हो गए। अरे ये निर्भरता पैसे की, तुझको कदाचित भी आत्मनिर्भर नहीं बना सकेगी। आत्मनिर्भरता आता है जो आत्मा पर निर्धारित, जो अपनी जिंदगी पर आधारित, जो अपनी एनलाइटेंड स्टेट पर, जो अपने प्रकाश पुंज पर, जो अपनी आत्म ज्योत, जीवन ज्योत पर आधारित, अपनी एनलाइटेंड स्टेट को उपलब्ध करके जो जीता है वो आत्मनिर्भर है। अरे दूसरों के अनुभव से सीख, अगर अपना अनुभव नहीं है तो उनके अनुभव से जान, कभी खाली हाथ नहीं लौटोगी इस संसार से। बुद्धिमता इसी में है कि हम उनके अनुभव से जिए। सिकंदर आजम क्या कह रहा, जूलियस सीजर क्या कह रहा है, मॉर्गन रॉकफेलर, कार्नेगी, चाइल्ड रूथ क्या कह रहा, क्या कह रहा है एडिसन मरते समय, साइंटिस्ट न्यूटन क्या कह रहा है, आइंस्टाइन क्या मरते वक्त कह रहा, क्या अपना अनुभव दे रहा। कभी जाना साइंस के स्टूडेंट बने, वी डोंट बिलीव इन गॉड, बड़ा आसान है कहना, मामूली से टेस्ट आते हैं, प्रश्न उठते हैं मामूली से, एग्जाम आते हैं सिर्फ, तो हाय रब्बा याद आता है, राम राम याद आता, मंदिर गुरुद्वारा याद आता है। ये हैं आज के नास्तिक बेचारे, उथले उथले नास्तिक, अहंकारी अभिमानी नास्तिक। मामूली सी चोट लगती है तो भगवान याद आता है। और कैसी गलत भाषा पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बोलते हैं, ये जब भाषा अमेरिकन यूरोपियन बोलते थे, आज उनकी हालचाल देख लीजिएगा, उन जैसा दुखपूर्ण जीवन नहीं है किसी का, उनके पास जीने का ढंग ही नहीं है। वहाँ आकाश को चूम लेंगे किंतु धरती पर रहना ना सीख पाएंगे, जब धरती पर ही रहना नहीं आता आकाश क्या करेगा। अरे उनके अनुभव से सीख ले, बाहर नहीं है भीतर है। अच्छाई थोपना भी कल्याणकारी है, शुभ को थोपना भी कल्याणकारी है। नहीं मानता, बार बार कोशिश करना, वो अनेकों बार अवसर देगा तेरी बात सुनने को। वो खुद कभी ना कभी डूबेगा, मरेगा, दुखी होएगा, उस समय अमृत पिला देना। मेडिटेशन का थोपना भी कल्याणकारी है। जहां करुणा दिखाते हो वहां थोड़ी कठोरता भी रखो, जीवन के कल्याण के लिए रखो, तुम्हारा कोई स्वार्थ तो है नहीं, आपका कोई स्वार्थ थोड़ो है। आप तो बच्चे का कल्याण चाहते हैं, बच्चों का जीवन चाहते हैं, आप तो अपने भाई बंधुओं का जीवन चाहते हैं, आप तो दाएं बाएं का जीवन चाहते हैं। अगर आपको मालूम है कि जीवन सुखद भीतर से होता है, अगर आपको पता आप जी रहे हो थोड़ा सुखी जीवन, तो उन पे थोपना भी बुरा नहीं है। आज की इस एजुकेशन में, आज की इस लैंग्वेज में, आज की इस फ्रीडम में, आउटर फ्रीडम में, कहीं धोखा ना खा जाना, सब धोखेबाज हुए हैं, सब धोखा खा रहे हैं। ध्यान देना, तुम भारत माँ की संतानी हो, तुम जीवन दिशा में, तुम सही दिशा में जीना, तभी तुम इस धरती को स्वर्ग बना पाओगे, अपने घर को स्वर्ग बना पाओगे, तभी तुम संसार को देने लायक हो जाओगे। जो वो तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं तुम उनको डिलीवर कर पाओगे, तुम अपनी ड्यूटी निभा पाओगे, तो सदा सुखी जीवन जियोगे। जब से करीब हो के चले, जिंदगी से हम अपने ही आईने को लगे
अजनबी से हम, बहुत गहरा है समझना, विजडम प्रिवेल हो रही। अपनी ही आईनी को लगे अजनबी से हम, जब से करीब हो के चले। ओ बाबा, ओ मुर्शिद, ओ साहिबा, ओ प्रीतम, ओ विराट, तेरे करीब हो के जब से चले। बिल्कुल और ही हो गए हम, हमारा तो आईना भी, हमारा तो मिरर भी, हमारा तो दर्पण भी हैरान हो रहा कि वो तो रहा नहीं, ये कुछ और ही हो गया, कोई और ही आ गया। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेट उतरी, ऐसा आनंद, ऐसी मस्ती बरसी, ऐसा नूर नूर हो गया ये जगमगाता चेहरा कि मेरा आईना भी हैरान हो गया, क्या से क्या हो गया, जब से करीब हो के चले जिंदगी से हम, जब से करीब हो के चले जिंदगी से हम, जब से करीब होके चले। रोशनी जब से दी, क्या हुआ परिणाम? बिल्कुल नेगेटिव आया परिणाम, बिल्कुल उल्टा आया। मेडिकल भाषा में नहीं बोल रहे हैं, मेडिटेशन की भाषा में बोल रहा है। आंखों को देकर रोशनी गुल हुए चिरा, भीतर का चिराग गुल हो गया, बाहर की आंखों को रोशनी क्या मिली, मेरा भीतर चिराग बुझ गया। आंखों को दी के रोशनी गुल हो गए चिराग, आंखों को दी के रोशनी हम फिर बाहर ही रह गए, बहिर्मुखी हो गए, बाहर ही बाहर। सारा जन्म जी करके हाथ खाली लेके चल दिए, आंखों को देके रोशनी गुल हुए चिरा, पंग आ गए हैं हम, हम तंग हो चुके, क्योंकि ऐसे बाहर गए कि फिर भीतर किसी ने लगाया नहीं, ऐसा बाहर गए, ऐसा गए कि गए सदा के लिए चले गए, फिर भीतर की ओर लगाने वाला कोई मिला नहीं, फिर भीतर की आंख, भीतर का चिराग जगमगाता हुआ, भीतर का गुल हुआ चराग पुनः हाथ थमाने वाला कोई मिला नहीं, सब बाहर की ओर लगाने वाले मिले, अपने भीतर की ओर, अपने आप के भीतर, अपने आप से लगाने वाला कोई ना मिला।
जहाँ जीवन छलकता है, जहाँ सच्चिदानंद छलकता है, जहाँ मस्ती है, बाहर है, स्वास्थ्य है, शांति है, शक्ति है, जहाँ प्रेम में जीवन की आभा छलकती है, जहाँ सदा सुख ही सुख बरसता है, अपने स्वभाव अपनी नियति में उस और लगाने वाला कोई मिला नहीं। सब किताबों की ओर लगाते चले गए, सब बाहर की ओर लगाते चले गए, सब एजुकेशन में डुबोते चले गए, जो भीतर को अंधा बनाता गया और बाहर सुजाखा करता चला गया, और भी बाहर अपने आप से हम दूर होते चले गए, अपने आप से हम पलायन करते चले गए, अपने आप से हमने कितना डिस्टेंस पिरो लिया, हम कितने दूर हो गए अपने आप से, अपने मायके से सदा के लिए विदा हो गए और बाहर ससुराल में खो गए। जिसने एक दिन उठा करके शमशान पहुंचा देना है उनको गले से लगाते हम, बेवजह जीते चले गए। तंग आ गए हैं वक्त की दिल लगी से हम, तंग आ गए हैं वक्त की दिल लगी से हम, तंग आ गए। ये वक्त दिल लगी कर रहा है हर पल हर घड़ी, ये संसार हमसे दिल लगी कर रहा है, आशिकी नहीं है दिल लगी है, वक्त हमको धोखा दे रहा है, वक्त भी अपने हाथ में नहीं है हमारे, वक्त दिल लगी कर रहा है, वो हमको दुखी देख करके खुश होता है, ये माइंड, माइंड इज वक्त, वक्त इज माइंड, ये है एकमात्र डीप साइंस, सुपर साइंस, स्पिरिचुअल साइंस, जो तुझको तेरे जन्म की कीमत डाल देगी, आबाद कर देगी तुझको। तंग आ गए हैं वक्त की दिल लगी से हम, तंग आ गए हैं वक्त की। अच्छे बुरे के फर्क ने माइंड का स्वभाव है डुअलिटी, अच्छा बुरा देखता है, शुभ अशुभ में फर्क डालता है, जन्म मरण में फर्क डालता है, दोनों पहलुओं में फर्क डालता है, डिवाइड करता है माइंड, माइंड जोड़ता नहीं तोड़ता है। अच्छा बुरा क्या है, शुभ अशुभ क्या है, पाप पुण्य क्या है, बस इसी में दिन रात लगा रहता है, यही बुद्धि की खुजली भी चलती रहती है, किंतु जीवन कहाँ है, बियॉन्ड माइंड, इसी फर्क में पड़े पड़े मैंने अपने जीवन की बस्ती उजाड़ के रख दी, इस माइंड के हाथ लगे लगे, इसी फर्क में पड़े पड़े दूसरों की बुराई देखता है, अपनी अच्छाई, अच्छे बुरे के फर्क ने, ये अच्छा ये बुरा, ये शुभ ये अशुभ, ये ठीक नहीं ये ठीक, इज ए माय माइंड, माइंड इज अ डुअलिटी, माइंड द्वंद्व है, द्वैत, फर्क डालता है, तोड़ता है, सेपरेट करता है एक दूसरे से, माइंड इज ए पॉलिटिक्स। अच्छे बुरे के फर्क ने
बस्ती उजाड़ दी। सारी जवानी सारी जिंदगी उजाड़ दी मेरी। अच्छे बुरे के परकनी बस्ती उजाड़ दी। मजबूर हो के मिलने लगे, बड़े सोशल बनने लगे। मजबूर हो के मिलने लगे हर किसी से हम। अपने को अच्छा कहला नहीं कह लिया, बड़े सोशल बनने लगे, बड़ा दिखावा, बड़ी बनावट, बड़ा अपने आप को एग्जिबिट करने लगे। मजबूर हो के मिलने लगे हर किसी से हम। मजबूर हो के मिलने लगे।